Hey guys, trading is not easy at all. हमने option trading start किए थे, लेकिन we are booking losses right now. Strategy में कुछ तो problem है. जब मैंने backtest किया था stick में, तो अच्छा खासा result हमने देखा. लेकिन nowadays we are booking losses. पता नहीं है क्या problem है. तो इनके बारे में सोचना होगा. इस video की last में मैं कुछ अपडेट्स देने वाला हूँ. हम एक ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी भी स्टार्ट कर रहे हैं कल से, नेक्स्ट डे से 2-3 लाख कैपिटल से, यानी स्मॉल क्वांटिटी के साथ हम ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट करेंगे. एंड उनके लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी भी है जो मैं कल के दिन ट्रेड करूंगा. एंड ये जो स्ट्रेटजी इनको भी एक्सप्लेन करूंगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें. तो आज हम बात करेंगे 15 और 16 नवंबर का क्या ट्रेडिंग अपडेट रहा. ओके, आज का दिन आप देख सकते हैं 16 नवंबर, मार्केट ऑलरेडी क्लोज हो चुका है. एंड ये देखिए चार्ट. तो आइए सबसे पहले हम 15 नवंबर का देख लेते हैं. ओके, 15 नवंबर में वन डे टाइम फ्रेम में अगर देखें कि हम शॉर्ट पुट करना डिसीजन लिया था. क्यों? क्योंकि प्रीवियस डे कैंडल 30 नवंबर का कैंडल, उसके जो प्रीवियस कैंडल है उसके नीचे था. दैट्स व्हाई हमने शॉर्ट पुट सिलेक्ट किए थे कि पुट को शॉर्ट करना. एंड 3 टाइम्स हमने ट्रेड ली. एंड आपको मैं दिखाऊंगा रिजल्ट भी. तो यहाँ पे 15 नवंबर का चार्ट देख सकते हैं कि गैप अप ओपन हुआ. एंड जैसे ओपन हुआ तो बुलिश क्रॉसओवर मिल गया और हमने कर दिया शॉर्ट पुट. एंड यहाँ पे देखिए कंटिन्यूस फॉल देखने को मिला. थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे क्लोज दे दिए थे 15 नवंबर का. ये रहे चार्ट. तो सबसे पहला जो ट्रेड हमने लिया था शॉर्ट पुट, क्योंकि बुलिश क्रॉसओवर मिला और शॉर्ट पुट लिए. ये देख सकते हैं आप ट्रेडिंग. तो सेम वे हम फर्स्ट एंड थर्ड ट्रेड लिए, क्योंकि बुलिश क्रॉसओवर दोनों में मिल रहे थे. एडीएक्स के ऊपर सस्टेन कर रहा था बैंक निफ्टी. तो ये रहे ये दो ट्रेड. तो तीनों ट्रेड में हमने लॉसेस बुक किया 30,000 के आसपास और ए रहे ऑर्डर बुक. अब हम देखेंगे अबाउट टुडेस ट्रेडिंग, दैट्स मीन 16 नवंबर. मार्केट ओपन होते ही एडीएक्स 19 के ऊपर था, तो हमने वेट की. एंड इंतजार करने के बाद जैसे बुलिश क्रॉसओवर मिला एंड एडीएक्स भी 19 के ऊपर आए, तब तक यहाँ पे बड़ी मूवमेंट हो गए थे. जैसे कि ये देखिए बड़ी दो कैंडल. एंड हमने एक पोजीशंस बनाया, जैसे कि देखिए 400 का प्रीमियम है. एंड यहाँ पे 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस आके हिट कर दिए. फिर हमने सेकेंड ट्रेड बनाया और यहाँ पे हम बुलिश इसलिए है, वन डे टाइम फ्रेम में 9 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर है एंड लास्ट डे कैंडल उसके प्रीवियस कैंडल के ये ऊपर था. दैट्स व्हाई हमने लॉन्ग करने के लिए सोचा. तो सेकेंड ट्रेड भी ऐसे गया. एंड फाइनली हम थर्ड ट्रेड इनिशिएट. सो गाइस, मैंने लॉन्च करने के लिए गया था एंड फाइनली थर्ड ट्रेड ऑलरेडी हमारे सारे लॉसेस कवर हो चुके थे. 4,000 के आसपास हमारा लॉस था, लेकिन उसके बाद मार्केट में फॉल देखने को मिला. रैपिडली बेयरिश कैंडल बनता गया एंड हमारा जो छोटा सा एसएल था, क्योंकि थर्ड जो पोजीशंस थे वहां पे मैंने एसएल ट्रेल कर दिए थे, तो छोटा सा वहां पे लॉस हुआ. एंड फाइनली 31,000 के आसपास हमने लॉस बुक की. यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम है कि बड़ी मूवमेंट के बाद हमको इंडिकेशन मिल रहा है, हमको सोचना होगा. उनको फिर से थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है. तो इसलिए हम कुछ दिन ये जो बाइंग सीरीज़ है इसको हम पॉज कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट डे से हम ऑप्शन सेलिंग भी करेंगे. ठीक है, 2-3 लाख कैपिटल से हम ऑप्शन सेलिंग भी करेंगे, उसका स्ट्रेटजी हम बताऊंगा. लेकिन ऑप्शन बाइंग सीरीज जो है ये
इनको मैं थोड़ा पॉज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी प्राइस एक्शन करना होगा, लेकिन डिसिप्लिन वैसे करेंगे कि तीन ट्रेड लेंगे, हाफ ट्रेड में 30-40 जो भी स्टॉप लॉस है उनको हम मेंटेन करेंगे एंड जर्नल भी डेली बेसिस मेंटेन रहेगा। सो लेट्स सी कैसे होते हैं। 5 लाख कैपिटल से हमने स्टार्ट किया था लेकिन मोर देन 1 लाख रुपीज से कुछ ही दिनों में 5 डेज में हमने लॉस बुक कर लिया। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्रेडिंग इज नॉट ईजी एट ऑल। आपको स्टार्ट करने से पहले सोचना है, आपको डिसाइड करना है कि आप कर पाओगे कि नहीं, आपके पास उतना अमाउंट है कि नहीं, आपका इमोशनल स्टेट क्या, अदरवाइज यू विल लूज ऑल योर मनी इन वन डे। तो चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि इंट्राडे एक्सपायरी डेट ट्रेडिंग, ये जो एक लिस्ट होगा यहाँ पे हम एक्सपायरी डेट ट्रेडिंग करेंगे क्योंकि हर दिन एक्सपायरी डे है। मंडे को मिड कैप निफ्टी होती है, ट्यूसडे को फिन निफ्टी, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी, थर्सडे को निफ्टी, फ्राइडे को सेंसेक्स। ओके, तो एक्सपायरी के दिन उस पर्टिकुलर इंडेक्स में हम ऑप्शन सेलिंग करेंगे प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ, कहाँ पे एंट्री लेना है, उसके बाद एसएल एंड टारगेट क्या रहेगा एंड हम डिसिप्लिन वैसे ही मेंटेन करेंगे। इस स्ट्रैटेजी को मैं सुबह एक्सप्लेन करूंगा एंड उसके बाद उसको ट्रेड भी करने वाला हूँ सेंसेक्स में, हो सके तो कल या फिर सैटरडे को इस वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो ये बेसिकली इंट्रा एक्सपायरी डेट ट्रेडिंग, इनको हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, जिस दिन हम एग्जीक्यूट करेंगे उसी दिन एक्सकैरअप करना है। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर द डे, ये था छोटी सी अपडेट, मिलते हैं कल।